बराक ओबामा से एक बार पूछा गया था कि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों के हाथ अगर परमाणु हथियार लग जाए तो यह न केवल अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्या पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो जो बाइडेन इसी ओर इशारा आज कर रहे हैं, टूटता बिखरता टेररिस्तान जिसके पास 150 से 200 परमाणु हथियार है। बिल्कुल गौरव, हुआ यही है। और जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने आज जो उनका स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि भाई देखिए, एक ऐसा देश है जो एक लिहाज से तितर बितर होते जा रहा है, उस आर्थिक तौर पर वो बिल्कुल फेलिंग स्टेट बन चुका है, उसके अंदर आतंकवाद दोबारा से सर उठा रहा है और बड़े खौफनाक तरीके से सर उठा रहा है। उनकी जो राजनीति है वो आपके सामने है कि किस तरीके की टॉक्सिक राजनीति है, और उसके ऊपर जो फौज है उसमें भी डिविजन्स नजर आ रही हैं राजनीतिक, उसके ऊपर जो डिविजन्स हैं वो नजर आ रही हैं फौज के अंदर। नहीं तो इमरान खान जैसे अहमक आदमी को क्या फौज चुप नहीं करवा सकती थी? अब वो फौज के सरबराह को वो मीर जाफर और मीर सादिक कहता है और सारी फौज को कहता है कि ये गद्दार हैं, तो इस तरीके के आदमी के खिलाफ भी आप एक्शन नहीं ले पाते तो आप किसके खिलाफ क्या कर सकते हैं। और इस संदर्भ में अगर देखा जाए, एक तरफ वहां पर फ्लड्स आए हुए हैं, दूसरी तरफ फ्लड्स के ऊपर कोई बातचीत ही नहीं है उनके मीडिया में, सारी की सारी जो मीडिया है वो सर्कस पे चल रही है। तो इस माहौल में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहते हैं कि एक ऐसा देश जो एक लिहाज से राजनीतिक तौर पर तितर बितर होते जा रहा है उसके पास परमाणु शस्त्र अगर हैं, तो फिर ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मोना आलम, क्या गलत कहा जो बाइडेन ने पाकिस्तान के बारे में कि दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देशों में एक पाकिस्तान है, परमाणु हथियार भी है, सेना और सरकार इमरान खान के साथ जो तकरार चल रही है, इकोनॉमी जो लगातार कोलैप्स कर रही है, कितना खतरा बड़ा है आपकी दृष्टि में मोना आलम? जी गौरव जी, एक्चुअली देखें, जो बाइडन, मुझे नहीं पता कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे जब उन्होंने ये बात की, क्योंकि अ सीजन पॉलिटिशियन लाइक हिम, और वो जिनको हिस्ट्री का या तारीख का बहुत अच्छा उनको नॉलेज है, मैं नहीं समझती कि वो ये बात कैसे भूल गए कि वो उस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं जिसने दो सिविलियन शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, खुद न्यूक्लियर अटैक किया, जिनकी सिविलियन आबादी आज तक उस अटैक के आफ्टर इफेक्ट्स या आफ्टर मैथ से जूझ रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ही इज इन अ कंप्लीट स्टेट ऑफ डिनायल, और ये बात मुझे बिल्कुल उनकी कोई समझ नहीं आई। अगर स्कूल में डिबेट कर रही होती तो आप 1945 का वाकया 2022 में आप जरूर बोल सकती थी, लेकिन हम तो 2022 के खतरे की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से सुशांत सरीन ने बताया कि इमरान खान बुरा भला कह रहे हैं सेना को, बाढ़ आई हुई है पूरे देश में, हाथ फैलाकर पाकिस्तान पूरी दुनिया से पैसा मांग रहा है मोना आलम जी, और ऐसी परिस्थिति में आतंकवादियों के हाथ अगर हथियार लग जाए तो दुनिया के लिए तो सबसे बड़ा खतरा होगा ना? देखें गौरव जी, एक्चुअली बात ये है कि अगर आप ये 1935, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन अगर आप उसको कहते हैं कि उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो मुझे नहीं लगता ये बात ठीक है, क्योंकि एक एक मुल्क की हिस्ट्री होती है, एक मुल्क की तारीख होती है, और आप चाहे अगर आपने हजारों लाखों की तादाद में सिविलियन आबादियों को, चले वो तो पुरानी बात हो गई ना, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने के गर्ज से जो पूरी आधी से ज्यादा जो मुमालिक थे यहाँ पर जिनको टारगेट या जिनको बॉम्ब किया गया, वो भी पुरानी बात आप कहेंगे, मतलब किन किन चीजों को डिनाई किया जाएगा, जबकि जो बाइडेन उस टाइम पर, चलिए लेकिन लेकिन आप अभी की जो स्थिति है पाकिस्तान की दयनीय स्थिति, मतलब आप तो बोल रही हैं कि अच्छा मेरा घर चल रहा है कोई बात नहीं, पड़ोसी का घर चल रहा है आप उसी पे नजर मारिए।